कीबोर्ड इंटरफेसिंग 2801 जो कीबोर्ड और LCDs होती हैं उसका जो यूज होता है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की तरह होता है। 8051 के साथ इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसका जो कीबोर्ड इंटरफेसिंग कर रहे हैं सबसे पहले जो कीबोर्ड फंडामेंटल्स हैं वो देखेंगे, जैसे यानी कि ये देखेंगे कि जब की प्रेस होती है तो वो डिटेक्ट कैसे करती है, उसमें डिटेक्शन कैसे होती है। और अभी हम ये देखते हैं कि जो हमारा पोर्ट वन और पोर्ट टू, पोर्ट वन को एज अ आउट लिया जाता है और पोर्ट टू को एज अ इन लिया जाता है। जो कीबोर्ड होता है वो ऑर्गेनाइज्ड करता है एक मैट्रिक्स को, यानी रोज और कॉलम की एक मैट्रिक्स को, और सीपीयू उसे एसेस करता है रोज और कॉलम दोनों को पोर्ट्स के साथ। इसमें हम 4x4 मैट्रिक्स करेंगे। जब भी कोई की प्रेस होती है तो रो और कॉलम में एक कॉन्टैक्ट प्रोड्यूस होता है, और जब कोई की प्रेस नहीं होती तो उनमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता। जो IBM PC कीबोर्ड्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक सिंगल माइक्रो कंट्रोलर होता है जिसमें एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, रैम होती है, EPROM होती है और सेवरल पोर्ट्स होते हैं जो कि सारा कुछ एक सिंगल चिप में होता है। इसकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरफेसिंग में काफ़ी केयर रखनी पड़ती है। जो प्रोग्राम के फंक्शन होते हैं वो EPROM में स्टोर होते हैं, जो कि माइक्रो कंट्रोल क्या करता है उसे स्कैन करता रहता है, जो कीज होती हैं उन्हें कंटिन्यू स्कैन करता रहता है। देखिए आज इसमें हम 4x4 मैट्रिक्स कर रहे हैं। दो जो हमारी रोज होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं आउटपुट पोर्ट से, D0 से D3 तक वो कनेक्टेड होती हैं हमारे पोर्ट आउट वन यानी आउट से। और जो हमारे कॉलम्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं हमारे पोर्ट टू से, पोर्ट इन से, और इनके साथ कनेक्टेड होती हैं कीज। ये जो रजिस्टर्स होते हैं वो 4.7 के होते हैं, और इनके साथ ये जो हमारे रोज और कॉलम्स होते हैं इनके साथ कनेक्टेड होती है हमारी कीज। ये देखिए कीज शो की गई हैं, ये जीरो जैसे बटन होते हैं हमारे, जीरो के लिए, वन के लिए, टू के लिए, थ्री के लिए, फोर बटन, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, टेन को ए से डिनोट करते हैं, इलेवन को बी से डिनोट करते हैं, सी डी ई एफ, ये सारी हमारी कीज हैं। जब कोई भी की प्रेस नहीं होती उस टाइम पे जो इनपुट पोर्ट है वो रीड करता है वन यानी वंस को सारे कॉलम्स के लिए, और जब भी कोई की प्रेस होती है तो वो जीरो को शो करेगा। सबसे पहले जब कोई की प्रेस नहीं है, जो हमारे सारे कॉलम्स होते हैं ये कनेक्टेड होंगे VCC सप्लाई के साथ, VCC सप्लाई जाएगी इन सब पर। अगर हमारी जो सारी रोज हैं, ये वाली रोज हैं, अगर ये ग्राउंड है और हमारी कोई की प्रेस हो जाती है तो जो भी की प्रेस होगी वो क्या होगी, जीरो हो जाएगी, और वो की एक पाथ प्रोवाइड करेगी ग्राउंड पे, क्योंकि रोज क्या है, ग्राउंड है, और जो कॉलम्स हैं वो है VCC सप्लाई के साथ कनेक्टेड। और माइक्रो कंट्रोलर का क्या काम क्या होता है, ये करता है स्कैन करता रहता है कीज को, यानी कंटिन्यू स्कैन करता है, और जब कोई की प्रेस होती है तो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी की प्रेस हुई है। इसमें हम 4x4 मैट्रिक्स कर रहे हैं, हम इसके एग्जांपल के साथ इसे देखते हैं कि कैसे हम इसको वर्क करवाते हैं। इसे एक एग्जांपल के साथ लेते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे हमारी रो है, रो का D3 से D0 जो कि शो करिए 1 1 1 एंड 0, फोर रो, रो के लिए, यानी किसी रो में से कोई की प्रेस हुई है। देखिए ये वन है, वन वन वन, मतलब इसमें से कोई की प्रेस नहीं है। जब जीरो आता है इसका मतलब है कि कोई की प्रेस है, अगर वन है तो मतलब कोई की प्रेस नहीं है। ये D3 से D0 तक शो कर रही है, D3 जो कि होगा हमारा वन, आगे D2 के लिए भी वन, D1 भी वन है, D0 जीरो है। अब यहाँ पे हमारा D3 से D0 जो कि है 1110। अब ये देखिए D3 है हमारा 1 1, D2 है 1, ये भी 1, D1 है 1, D0 है 0, यानी यहाँ पे सारी 1 है, मतलब इन रो में से कोई की प्रेस नहीं हुई। जहाँ पे 0 होगा मतलब इस रो में से कोई की प्रेस नहीं, 0 से जो कि ग्राउंड पाथ प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट अब रो चेक कर ली, अब कॉलम पे आते हैं।
कॉलम का क्या कोड है? D3 से D0, ये भी D3 से D0 है, ये है 1011, यानी D3 1, ये 0, ये 1 और ये 1, D3 1, 0, 1, 1. अब हमें, ये है हमारा 1, ये है हमारा 0, ये है 1 और 1. अब हमें ये देखना है कि, देखिए इसमें से तो हमें पता लग गया था कि इस रो में से कोई की प्रेस हुई है, इन कीज में से कोई 0, 1, 2, 3 में से कोई की प्रेस हुई है. अब इसमें से 0 कौन सी है, ये देखो 0 ये वाली है. अब जाओ 0 पे, यानी कि रो तो हमें पता लगी थी, अब कॉलम पे जाएंगे, यानी सेकंड की प्रेस हुई है. ये वाली रो है और ये वाला कॉलम है, D0 रो है और पोर्ट 2 का इनका जो है वो D2 कॉलम है, यानी सेकंड की हमारी इस टाइम पे प्रेस हुई है. इस टाइम पे ये जो की है कॉन्टैक्ट क्रिएट करती है, इस तरह से कॉन्टैक्ट बनाती है, उसको फिर डी बाउंस करते हैं, फिर ये डी बाउंस होती है, ये कॉन्टैक्ट क्रिएट होता है. इस टाइम पे हमें पता लग गया है कि जो रो है वो बिलोंग्स टू D0 और जो कॉलम है वो बिलोंग कर रहा है D2, पोर्ट 2 इन से और ये पोर्ट आउट से D0. इस तरह से हमें ये पता लग गया कि आपसे सेकेंड की कॉन्टैक्ट में आई है. अब इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. देखिए D3 से D0 का जो हमारा कोड है वो है 1101, 1101. D1 पे 0 है, मतलब यहाँ से कोई कॉन्टैक्ट आया है, D1 रो में से कोई कॉन्टैक्ट गया है. और अब कॉलम देखेंगे, इसका कोड है 0111, 0111, यानी इनमें से तो कोई कॉन्टैक्ट नहीं है. अगर ये 1 है, जो 0 है उसमें से कोई कॉन्टैक्ट है, यानी इस कॉलम में से कॉन्टैक्ट है. ये वाली रो थी D1 और कॉलम था D3, तो ये कहाँ पे, यहाँ पे मैच हो रहे हैं, मतलब सेवंथ की क्या हुई है, प्रेस हुई है, मतलब सेवंथ की यहाँ से प्रेस हुई है. प्रेस होके इसको डीबाउंस करते हैं, फिर वो काउंट करता है माइक्रो कंट्रोलर. इससे हमें पता लग गया कि जो रो है वो D1 है और जो कॉलम है वो D3 है. रो D1 और कॉलम D3, सेवंथ की प्रेस हुई है. इस तरह से इसको क्या नाम है, काउंट किया जाता है. इस तरह से इसको माइक्रो कंट्रोलर स्कैन करता रहता है बार बार, और जो की प्रेस होती है उसे डिस्प्ले करता है कि ये वाली की प्रेस हुई है. इसका फ्लो चार्ट देखेंगे कि सबसे पहले स्टार्ट फंक्शन परफॉर्म होगा, जो हमारी रो होगी वो क्या होगी, ग्राउंड होगी. सबसे पहले क्या होंगे, कॉलम चेक होंगे, सारे कॉलम्स रीड होंगे. और कॉलम्स रीड करने के बाद ये माइक्रो कंट्रोलर ये चेक करेगा कि क्या सारी कीज ओपन है. अगर ओपन नहीं है तो वापिस अपने प्रोसेस पे चला जाए, और अगर ओपन है तो वो चेक करे रीड, जो हमारे कॉलम्स है उसे अगेन चेक करे. चेक करने के बाद फिर ये चेक होगा कि क्या कोई की डाउन हुई है. अगर कोई की डाउन नहीं हुई तो वो फिर से कॉलम को चेक करने के लिए जाएगा, और अगर कोई की डाउन हुई है तो आगे प्रोसेस को करेगा, परफॉर्म करेगा. जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर होगा वो क्या करेगा, की डिबाउंस की वेट करेगा. जब हम कोई की प्रेस करते होते हैं तो डिबाउंस करना ज़रूरी होता है. जब वो हमें डिबाउंस करेंगे तभी हमारा माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, वेट उसको स्कैन करेगा. तो माइक्रो कंट्रोलर वेट करेगा डिबाउंसिंग के लिए, की कब डिबाउंस होगी. और डिबाउंस होने के बाद वो फिर से सारे कॉलम रीड करेगा. रीड करने के बाद वो देखेगा कि क्या जो हमारी की है वो कोई की डाउन हुई है. अगर नहीं हुई, अगर उसे लगेगा कोई की डाउन नहीं हुई, तो वो वापिस से अपने फर्स्ट वाले प्रोसेस पे चला जाएगा. और अगर की कोई की डाउन हुई है तो वो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, यानी कि जो रो होगी नेक्स्ट रो, उसे देखेगा कि कौन सी रो ग्राउंड हुई है, नेक्स्ट कौन सी रो ग्राउंड हुई है. फिर से सारे कॉलम्स को चेक करेगा, और फिर ये चेक होगा कि कौन सी रो में से की प्रेस हुई है. अगर की प्रेस नहीं हुई किसी भी रो में से, तो वो फिर से अपने सेम प्रोसेस से वापस जाएगा चेक करने के लिए रो को. और अगर कोई की प्रेस हुई होगी तो यस, तो फिर वो आगे जाएगा और फाइंड करेगा कि कौन सी की प्रेस हुई है. और उसकी जो की प्रेस होगी उसे उसके कोड को स्कैन करेगा उसके टेबल में से, और फिर कर देगा रिटर्न फंक्शन को जो भी नेक्स्ट की प्रेस होगी. इस तरह से ये क्या करता है, वर्क करता है. ये इसका फ्लो चार्ट है. जब भी हम कोई प्रेस करते हैं तो उसे डिबाउंस जरूर करना होता है, क्योंकि जब तक वो डिबाउंस नहीं होगा तो माइक्रो कंट्रोलर उस पर वेट करेगा कि वो जब वो डिबाउंस होगा तब वो उस प्रोसेस को आगे लेके जाएगा.
यानी यहाँ से जब वो डिबाउंस होगी फिर वो कॉलम पे जाएगा और फिर चेक करेगा की को, अगर उसको लगेगा कोई भी प्रेस नहीं हुई तो वापसी से चला जाएगा, और अगर उसको लगेगा कि की प्रेस हुई है तो वो आगे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। ये है इसका फ्लो चार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।